क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि -4, 5 तथा 6, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मींस मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द -4, 5 एंड 6, 7। तो यदि हमारे पास ये दो पॉइंट हैं तो यहाँ देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो यहाँ हम यदि एक्स निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2। तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी, वो -4 है +6/2, तो रिजल्ट आएगा 2/2 और रिजल्ट आ गया 1। तो 1 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। यदि हम वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो वाई क्या होता है, y1 + y2 / 2। y1 आपके पास 5 है और y2 -7 है / 2, मीन्स 5 - 7/2 मीन्स -2/2, रिजल्ट आ गया -1। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट्स है 1 एंड -1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स हैं वो 1 एंड -1 हो गए। अभी इसी का ऑप्शन पार्ट्स भी हम देखें तो उसमें कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष 1, -2, 3, 6 तथा 5, 10 हैं तो छोटे शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, मीन्स द कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर दिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी आप यदि फोर वर्टेक्स में देख रहे हैं किसी भी कोऑर्डिनेटर या पैरेललोग्राम्स को देखेंगे तो उसके आपके पास फोर वर्टेक्स हैं। फोर वर्टेक्स में 3 आपको मालूम है, उसको 1 एंड -2 गिवन है, बी की वैल्यू 3 एंड 6 गिवन है, सी की वैल्यू आपके पास 5 और 10 है। तो डी के कोऑर्डिनेट जब निकालना चाहेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे कि ए सी का जो मिड पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी होगा। सेम यदि हम कहेंगे ओ, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो ए सी के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो 5 + 1 = 6, 6/2 वो आएगा 3। सेम यदि हम बात करेंगे वाई कोऑर्डिनेट के तो 10 - 2 = 8, 8/2 = 4 होगा। तो यहाँ जो मिड पॉइंट है वो ए सी का वो 3, 4 है। सेम 3, 4 मिड पॉइंट होगा बी और डी का भी। तो यहाँ से यदि डी के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से भी देख चुके हो कि मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो x+x1+x2/2 होता है, लेकिन हमें x मालूम हो गया। अभी हमने ए सी की हेल्प से एक्स फाइंड किया तो उसको लेंगे 3 = x1, यदि हम कोऑर्डिनेट ले लें 3 + x2/2 करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आएगा 6 = 3 + x2 और x2 की जो वैल्यू आएगी वो 6 - 3 = 3 आएगी। तो यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास x, मीन्स d के जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक तो 3 आ गया x, लेकिन y की वैल्यू निकालेंगे तो y के मिड पॉइंट यूज करने पड़ेंगे। तो y के लिए हम मिड पॉइंट यूज करेंगे y = y1 + y2/2, बट y की वैल्यू आपके पास 4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और y1 की वैल्यू को आप यूज कर दें यदि 6, तो 6 और ये y2, तो यहाँ 4 + 8, 8 - 6 करेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी और y2 आपके पास होगा 2। तो आप x3 और y2 आपका सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह सी पार्ट इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 और ओ पार्ट। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे।